फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, एक बार फिर झारखंड के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। छात्रगण, जैसा कि आपको मालूम है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं झारखंड एनवायरमेंट्स चेंजेस और उसके उपाय, झारखंड के पर्यावरण परिवर्तन और उसके किए गए उपाय क्या क्या हैं। इस टॉपिक पर हम विगत 2-3 क्लासों से चर्चा और लेक्चर नोट्स लिख रहे हैं। छात्रगण, इसके पहले वाले क्लासेस में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कितने टाइप्स हैं, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का स्तर क्या है, पॉल्यूशन से निपटने के लिए भारत सरकार, झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर और नोट्स में लिखा था। तत्पश्चात हम एक खास टॉपिक पे आए थे कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन, जो एक पर्यावरण का भाग है, उसकी चर्चा और लेक्चर हम इसके पिछले वाले क्लास में लिख रहे थे। और मैंने बताया था कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन का स्वरूप कैसा है। जैसा कि मालूम है, मैंने बताया था कि जलवायु और मौसम में अंतर है। मौसम रोज बदलता रहता है, जबकि जलवायु एक लंबे काल के मौसम को, लंबे काल के मौसम को जलवायु के नाम से पुकारी जाती है। मतलब जलवायु एक लंबी अवधि है, जबकि मौसम की अवधि बहुत छोटी होती है। छात्रगण, मैं बताया था कि वर्तमान विश्व की अभी सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंजेस, जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण आज विश्व के सभी देश इससे प्रभावित हैं। और इसकी वजह से विश्व के सभी देश समय समय पर इसकी बैठक करते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे, दुष्प्रभाव क्या होंगे, इसको कैसे रोका जा सकता है। इस पर्यावरण परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, इसके कारण कौन कौन है, उसमें कटौती कैसे की जाए, इसके लिए समय समय पर बैठक भी चल रही है। हम उसी संदर्भ में बात कर रहे थे कि विश्व स्तर पर, झारखंड स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, उसके लिए विश्व स्तर पर कौन कौन सी बैठक अभी तक की गई है, इसकी चर्चा हम क्लास में कर रहे थे। और कुछ बैठकों की चर्चा भी हम कर चुके थे। लास्ट चर्चा हमारी जो रही थी, वो चर्चा थी 1979 का ऑस्ट्रेलिया के जनेवा में जो बैठक हुई थी, उसकी चर्चा हम कर चुके थे। उसी जलवायु परिवर्तन में जो बैठक हो रही है, उसी बैठक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में किए थे। और आज हम उसी, इसके पहले वाले क्लास में कर चुका था, आज हम उसी नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जो नोट्स इससे पहले हम क्लास में लिख चुके थे। तो छात्रगण, नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आप लोग, 16 सितंबर, नेक्स्ट पॉइंट में है, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें
क्लोरो फ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने हेतु, क्लोरो फ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक बाध्यकारी समझौता किया गया, एक बाध्यकारी समझौता किया गया ताकि ओजोन परत में जो क्षरण हो रही है, ताकि ओजोन परत में जो क्षरण हो रही है उसे रोका जा सके, रोका जा सके। अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण की दिशा में किया गया, अर्थात मॉन्ट्रियल या अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण की दिशा में पहला प्रयास है, पहला प्रयास है। उसी में इस सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, किया गया जिसमें जिसमें CFC के उत्सर्जन, CFC क्लोरो फ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन 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 के कटौती पर, के कटौती पर सहमति, सहमति बनाई गई, सहमति बनाई गई। सहमति बनाई गई नेक्स्ट पॉइंट जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, रियो डे सॉरी डी जलवायु समझौते पर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का, अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, किया गया जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा किया गया था,
किया गया था। उसी में इस सम्मेलन में मुख्य रूप से CO2 की मात्रा में हो रही बढ़ोतरी कह दीजिए प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन ओजोन परत की क्षति वैश्विक तापमान वृद्धि प्रदूषण प्रदूषण इत्यादि गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। उसी में साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से पृथ्वी सम्मेलन को महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। इसमें पहली बार टिकाऊ विकास, ऐसा विकास बहुत दिन तक टिक सके, इसमें पहली बार टिकाऊ विकास को देशों की नीतियों में शामिल करने पर सहमति बनी। साथ ही साथ सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण एवं जंगल में रहने वाले वनाधिकारों की रक्षा की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जलवायु परिवर्तन पर उन्नीस सौ चौरानवे में वैश्विक स्तर पर कोप कोप सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया गया। सीओपी कोप प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जापान के
क्योटो शहर में शहर में 1997 ईस्वी में सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो KYOTO, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। जिसमें कार्बन उत्सर्जन की कटौती को लेकर, एक बाध्यकारी समझौता, किया गया जो जलवायु परिवर्तन में हो रहे दुष्परिणाम को रोकने का एक सटीक सम्मेलन माना जाता है नेक्स्ट, लिखिए आप लोग, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, नेक्स्ट पॉइंट में मॉन्ट्रियल सम्मेलन पुनः कनाडा के मॉन्ट्रियल में दिसंबर 2005 में 11वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। उसी में इसी प्रकार 2007 में बाली सम्मेलन, वह जो इंडोनेशिया में है, बाली सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। तथा दो हजार नौ में डेनमार्क के शहर कोपेनहेग में कोपेनहेग सम्मेलन 2010 में मेक्सिको में कानकून सम्मेलन 2011 में दक्षिण अफ्रीका में डर्बन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
डर्बन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तथा पुनः ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में तथा पुनः ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में या रियो डी जेनेरियो में रियो प्लस नाम दिया गया है रियो प्लस 20 सम्मेलन रियो प्लस 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में जलवायु परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन नेक्स्ट पॉइंट में है जलवायु परिवर्तन पर एक मुख्य सम्मेलन जिसे संयुक्त राष्ट्र का दोहा जलवायु परिवर्तन जिसे दोहा जलवायु परिवर्तन कहा गया है 2012 में आयोजन किया गया। उसी में इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का वार्सा जलवायु सम्मेलन वही पोलैंड तथा इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र का वार्सा जलवायु सम्मेलन 2013 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जलवायु परिवर्तन विश्व का वर्तमान में एक अति गंभीर समस्या है जिस पर विभिन्न देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। छात्रगण अभी तक 70 के दशक से लेकर वर्तमान तक विश्व के जलवायु सम्मेलन पर कौन कौन सी बैठकें आयोजित की गई है उसकी चर्चा हम लोगों ने अपने इस नोट्स के माध्यम से किया है। छात्रगण विभिन्न परीक्षाओं में कौन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ वार्सा सम्मेलन कब हुआ कानपुर सम्मेलन कब हुआ बाली सम्मेलन कब हुआ मंट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ वीना सम्मेलन कब हुआ जिनेवा सम्मेलन कब हुआ विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया किस वर्ष किया गया क्यों किया गया कौन से सम्मेलन की प्रमुख बात क्या रही ये सारी बातें विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है जब क्वेश्चन बनता है जब क्वेश्चन शुरुआत होती है इन्वायरमेंट साइंस से पर्यावरण विज्ञान से। क्योंकि छात्रगण ये चैप्टर आपके जेपीएससी पीटी पेपर 2 का एक चैप्टर है जिससे 14 मार्च का प्रश्न पूछा जाएगा इसीलिए आपको मैंने
प्रयास किया कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों को लिखाया जाए और उसकी मुख्य थीम की बातों को आप अपने नोटबुक में डाउन किया है। छात्रगण, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि झारखंड में इस संदर्भ में कौन कौन से उपाय अपनाए जा रहे हैं। ओके छात्रगण, थैंक यू।